नमस्कार नमस्कार। आप इस वक्त ट्विटर पे मुझे देख रहे हैं और जहाँ पे मेरी मौजूदगी है, चूंकि एक शख्स मुझे मिले जो बड़े ही देर से क्रिकेट को लेकर बड़े दिलचस्प तरीके से अपनी बात कर रहे थे, तो मैंने पूछा जरा सियासत की बातें भी इनसे कर ली जाए, और इसी वजह से आइए इनसे मुलाकात करवाती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, पूरा नाम भगवत सिंह रावत है। रावत जी, उत्तराखंड से? हाँ जी। अरे वाह, यहाँ पर आप? यहाँ पर मैं एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर काम कर रहा हूँ। कौन जीत रहा है 2019? 2019 में मुझे तो सपने में भी मोदी जी ही जीतते दिखाई दे रहे हैं। सपने में भी मोदी जी ही जीत रहे हैं? बिल्कुल, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है और वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कौन देश के हित में काम कर रहा है इसको अच्छी तरह जानती है। मोदी जी देश के हित में काम कर रहे हैं? देश के हित में काम कर रहे हैं। 100% काम किया है मोदी जी ने। मोदी जी ने सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, उन्होंने जितनी गंदगी पिछली सरकारों ने हमारे राजनीति में गंदगी थी उसको दूर करने की कोशिश की, और आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ भी हम कमजोर थे वहाँ हमको मजबूत बनाने की कोशिश की। मजबूत बनाने चलिए आज हम बात करूंगी थोड़ा, और आप बताइए आप किसको जिता रहे हैं? मैं भी तो मोदी। मोदी जी को क्यों? क्योंकि उनका अच्छा काम है। अच्छा काम? एक काम कौन सा अच्छा है? उनके तो बहुत काम अच्छे हैं। बहुत मतलब मोदी जी अच्छे लगते हैं, है ना? नहीं, हाँ, जैसे सबका आधार कार्ड खुलवा दिए। अच्छा। गैस का कनेक्शन योजना चला दिए। आधार कार्ड तो लेकिन कांग्रेस लेकर आई थी, वो प्रचार नहीं कर पाई। आप बताइए मोदी जी को काहे? मोदी जी को क्योंकि मोदी जी के काम अच्छे हैं और उनकी सोच अच्छी है। काम और सोच दोनों अच्छी है। बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी इसलिए कि देखिए मैम, वो उस जितनी सरकार सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की थी। अगर इतना मोदी जी हो जाए तो पता नहीं इंडिया को पूरा कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया। आप ये कह रहे हैं जी? नहीं, आपको भी लगता है कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया? कांग्रेस अच्छा किया है, कुछ काम अच्छा किया है। अच्छे भी ये कर रहे हैं मोदी जी, अच्छा कर रहे हैं। आप रावत जी बताइए कांग्रेस क्यों नहीं राहुल गांधी? ऐसा है, कांग्रेस इंदिरा गांधी के बाद खत्म हो गई थी, क्योंकि एक ऐसा नेता कांग्रेस का, बोल्ड नेता जिसको हम कहेंगे, क्योंकि हम किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते, हम तो एक आम नागरिक हैं। इंदिरा गांधी तक बहुत था। इंदिरा गांधी ने हमको सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने जो पाकिस्तान के टुकड़े बांग्लादेश अलग कर दिया, सबसे बड़ा साहसी काम ये था। उसके बावजूद इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन राहुल गांधी में बचपना है, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं, और मैं क्या कह रहा हूँ और इसके बारे में वो सोचते नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में ही देखिए, तीन राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने जीत भी हासिल की है। तीन तो राज्यों में बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। तीन राज्यों में कांग्रेस आई जरूर, हाँ, लेकिन उसमें कमी बीजेपी लीडरशिप की ही रही है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ सवर्णों को नाराज कर दिया था। राजस्थान में आप देखिए, 450,000 लोगों ने नोटा में वोट डाले। अच्छा, नोटा में इतनी राजनीति आती और है आपको? 5 लाख लोगों ने मध्य उसमें एमपी में, हाँ, वहाँ नोटा में वोट डाले। अच्छा, तो ये कौन थे? अब उन्होंने 10% आरक्षण दे दिया है तो फायदा लेंगे। अब नोटा वाले सब, हाँ, मोदी जी की तरफ मुड़ जाएंगे पक्के मोदी, और इसी में देश हित है, और ये हमारा सौभाग्य, हमको मोदी जी जैसा नेतृत्व, ईमानदार नेता हमें मिला है। मतलब आप राहुल गांधी से प्यार नहीं करते, सिर्फ प्यार तो हम पूरे हिंदुस्तान से करते हैं, और सोनिया गांधी से भी करते हैं, प्रियंका गांधी से भी करते हैं, लेकिन देश हित में भी हमें हमारा सोचने का फर्ज है। अच्छा, तो राहुल गांधी में वो काबिलियत नहीं है, अभी उनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हम कांग्रेस की जहाँ तारीफ कर रहे हैं इंदिरा गांधी तक कर रहे हैं। अखिलेश और मायावती एक साथ हो गई है तो उसका फायदा? ये तो बेपैदे के लोटे हैं, ये तो अपने मतलब के लिए कभी किधर भी उलट पुलट सकते हैं। तो ये इससे हमारा देश हित नहीं होगा, इससे देश हित हमको नहीं होगा। हमको जातिवाद और क्षेत्रवाद इससे ऊपर उठना चाहिए अगर हम देश के बारे में